नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सवाल पे डिस्कस करेंगे जो काफ़ी कस्टमर्स का रहता है जो खुद ही आरओ सर्विसिंग करते हैं। उनका ये क्वेश्चन रहता है कि हम आरओ जब भी सर्विस करते हैं तो उसके सारे पार्ट्स चेंज कर देते हैं इंक्लूडिंग मेम्ब्रेन। उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, मेम्ब्रेन को आपको हर साल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने अच्छी क्वालिटी की लगाई है। और दूसरा ये कि आप पहले चेक कीजिए कि आपका TDS कितना आ रहा है अगर आप रेगुलर सर्विसिंग कर रहे हैं। तो ये TDS मीटर इस टाइप का आप परचेज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप पानी आपका चेक कीजिए, जो आप पीने वाला पानी पी रहे हैं वो चेक कीजिए। जो आप TDS आप पी रहे हैं, अगर आप 80 पी रहे हैं, 100 पी रहे हैं, 200 पी रहे हैं, 150, जो भी आप TDS पी रहे हैं, उससे ज़्यादा TDS अगर आपको आ रहा है और आपको बहा नहीं रहा, पानी का टेस्ट नहीं आ रहा, तभी आपको मेम्ब्रेन चेंज करना है। साथ में आपको लग रहा है कि हाँ एक साल हो गया, मेम्ब्रेन तो चेंज करनी है क्योंकि TDS भी नहीं आ रहा और सेडिमेंट कार्बन भी चेंज कर दीजिए। तो ये दो तीन चीज़ें आपको चेंज करनी है, एक तो सेडिमेंट कार्बन मेम्ब्रेन और साथ में एक FR आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको चेंज करना होता है 1 ईयर की सर्विस में, इस टाइप की FR आती है। तो आप मेम्ब्रेन चेंज कर रहे हो तो FR जरूर चेंज कीजिए। ये कोई महंगा आइटम नहीं है, जब आप FR पे खर्चा कर रहे हो तो मेम्ब्रेन पे खर्चा कर रहे हो तो FR भी खर्च कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो ये एक तरीके से ओके। अब दूसरा ये रहता है कि आपने TDS चेक किया, ईयरली सर्विस आपको करनी है, TDS सही आ रहा है, टेस्ट सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी लोगों का ये रहता है कि भाई हमें तो सर्विस की ज़रूरत नहीं है आरओ के, लेकिन करनी जरूरी रहती है। आरओ के अंदर के फिल्टर्स कम से कम सेडिमेंट और कार्बन आप चेंज कर दीजिए, मेम्ब्रेन को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ आप क्या कीजिए, सेडिमेंट कार्बन देख लीजिए, साथ में FR देख लीजिए कि कहीं इसके अंदर जो है कुछ पार्टिकल्स वगैरह, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं, जो इसमें अंदर जाली लगी होती है, हालांकि कैमरे में नहीं आ रहा। ये आप चेक कर लीजिए इसके अंदर और इसको आप रिप्लेस कर दीजिए बस। तो एक FR रिप्लेस कर दीजिए अगर ज़रूरत पड़े तो। हालांकि इसकी कोई ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप मेम्ब्रेन चेंज करें उसके साथ ही आप FR चेंज कर दीजिए। लेकिन अगर आपका TDS सही आ रहा है, एक रेगुलर सर्विसिंग करनी है, तो आप सिर्फ अंदर आरओ के अंदर के बात कर रहे हैं अभी अपन सिर्फ, तो आरओ के अंदर सिर्फ सेडिमेंट और एक कार्बन फिल्टर, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको आरओ का सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर ऐसे लिखा होगा बकायदा, सेडिमेंट यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो और एक कार्बन। तो आपको सिर्फ अंदर के दो फिल्टर चेंज करने, मेम्ब्रेन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।